और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख और बलात्कार का दोषी गुरमीत राम रहीम उसे एक बार फिर से फरलो मिल गई है। गुरमीत राम रहीम को 21 दिनों की फरलो मिली है। सुनारिया जेल से पुलिस सुरक्षा में गुरमीत राम रहीम जो है वो बाहर निकला है। फरलो के दौरान बागपत के बरनावा आश्रम में ही रहेगा राम रहीम। हाईकोर्ट ने यहाँ पर कहा था कि सोच समझ कर राम रहीम को फरलो दे राज्य सरकार। गुरमीत राम रहीम ने जून 2024 में एक बार फिर से फरलो की मांग की थी और 21 दिनों की फरलो के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आपको बता दें, फरलो एक तरह की छुट्टी की तरह होती है जिसमें कैदी को कुछ दिनों के लिए रिहा किया जाता है और फरलो की अवधि को कैदी की सजा में छूट और उसके अधिकार के तौर पर देखा जाता है और ये उन्हीं को मिलती है जिन्हें सजा मिली हो, और आमतौर पर उस कैदी को मिलती है जिन्हें लंबे वक्त की सजा मिली हो ताकि वो अपने परिवार से और समाज के लोगों से मिल सके। तो यहाँ पर बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से फरलो मिल गई है। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी गुरप्रीत सिंह। इस वक्त गुरप्रीत, फरवरी में ही यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा था कि सोच समझकर जो है राम रहीम को वो फरलो दी जाए और ऐसा ना हो कि इसका एक तरह से उल्लंघन हो, लेकिन क्या ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर? देखिए, बड़ा टेक्निकल वे से इस बार जो गुरमीत राम रहीम था उसने एक एप्लीकेशन मूव की थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने सरकार को वापस भेज दी थी जिसमें ये क्लियरली कहा था कि ये हरियाणा डिसीजन ले, इस पर उनका प्रेरोगेटिव है कि इस पर क्या करना है, क्योंकि जेल अथॉरिटीज से रिपोर्ट लेनी होती है, जेल के मैनुअल के अकॉर्डिंगली ही रिलीफ देना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद हरियाणा सरकार ने आज सुबह 6:30 बजे 21 दिन का रिलीफ जो गुरमीत राम रहीम को दे दिया है, और हम देख सकते हैं कि सुबह 6:30 बजे उसको सुनारिया जेल रोहतक से निकाल दिया है। अब अगर इस बात की बात करें तो कई सवालिया चिन्ह लग रहे हैं, क्योंकि एसजीपीसी जो पंजाब की है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था कि जो इनमेट्स हैं जो रेप एंड मर्डर में हैं उनको किस तरह के रिलीफ मिले हैं, क्योंकि बार बार ये 10th टाइम ऐसा रिलीफ दिया जा रहा है, कभी 21 दिन का, कभी 50 दिन का, कभी और भी कम और ज्यादा दिनों का रिलीफ दिया गया है, और मल्टीपल टाइम ऐसा रिलीफ देना एक व्यक्ति को जो रेप और मर्डर के चार्जेस में अंदर हो, जिसको सजा हुई हो, उसको ऐसा रिलीफ देना कहीं ना कहीं कानून पे सवालिया चिन्ह लगाता है। लेकिन इस बार फिर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बोला कि आप डिसीजन लो, और डिसीजन के बाद हमने देखा कि आज 21 दिन की फरलो दे दी गई है राम रहीम को। लेकिन हमने पहले भी बार बार मुख्यमंत्री, जब ML खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री होते थे, उनसे बातचीत करते थे, वो कहते थे कि जेल अथॉरिटीज़ की डिस्क्रिप्शन है, इवन जेल मिनिस्टर ये कह के अपना पल्ला साफ कर लेते हैं, वो कहते हैं कि लोकल अथॉरिटी कमिश्नर इस पे लेता है, और एक डॉक्यूमेंट जो हाई कोर्ट में भी लगाया था उसमें लिखा हुआ था कि कहीं ना कहीं गुड करेक्टर के बिहाफ पे ये दिया जा रहा है। लेकिन यही सबसे बड़ा सवालिया चिन्ह खड़ा कर रहा है कि गुड करेक्टर किसको माना जा रहा है, क्योंकि हीनियस क्राइम में जेल हुई थी और उसके बाद ऐसे रिलीफ देना। आप देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट इस बार अपनी पक्ष रखता है, क्या स्पष्टीकरण देता है, क्योंकि इस समय विधानसभा पोल है हरियाणा में, इलेक्शन करके ऐसे समय पे ऐसा रिलीफ देना 21 दिन का कहीं ना कहीं एक सरकार पे भी सवालिया चिन्ह लग रहा है। अब लेकिन देखना है कि सरकार इसकी क्या स्पष्टीकरण देता है। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल गुरप्रीत, आप बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से चुनाव में इस तरह के जो लोग होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं उनका असर जो है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे में गुरमीत, ये भी बताएं आप कि कितने साल की सज़ा इनको मिली हुई है, क्योंकि 2 महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार के ये दोषी है। जी बिल्कुल, अगर करें तो 20 साल की सज़ा में है ये, और अगर बात करें कि इतनी लंबी सभा में, सबसे बड़ी बात है जो हीनियस क्राइम है, रेप और मर्डर हीनियस क्राइम की कैटेगरी में आते हैं, उसके बावजूद भी ऐसा रिलीफ देना कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पे भी सवालिया चिन्ह लगाता है। जैसे मैंने पहले बोला कि अगर जेल मिनिस्टर से बात करते हैं तो जेल मिनिस्टर ये कहते हैं कि लोकल कमिश्नर है, जहाँ पर जेल आती है सरसा के कमिश्नर है, वो वहाँ पर डिसाइड करते हैं, क्योंकि जेल मैनुअल के अकॉर्डिंगली जाते हैं। वही वो कहते हैं कि जेल सुपरिंटेंडेंट पूरा करेक्टर रिपोर्ट बनाता है, उसके बाद सारी प्रक्रिया होती है। इवन मुख्यमंत्री जब ML खट्टर थे तो उनसे बात की थी तो वो कहते थे ये उनका मैटर ऑफ राइट है, हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन सवाल तो ये खड़ा कर रहे हैं लगातार SGPC या कोर्ट में ये चैलेंज किया जा रहा है कि कितने ऐसे इस कैटेगरी के इनमेट्स हैं, कैदी है, जिनको ऐसा रिलीफ मिला। अब देखते हैं कि सरकार इसका क्या स्पष्टीकरण देती है कि बार बार रिलीफ पे आना, और स्पेशली जब विधानसभा पोल्स हों उस समय ऐसा रिलीफ मिलना कहीं ना कहीं
सरकार पे सवालिया चिन्ह लगा रहा है, लेकिन ये सरकार अब देखते हैं कि क्या इसका स्पष्टीकरण देते हैं, क्या कहते हैं कि इस बार जो फरलो दी है वो किस बेसिस पे दी है। बैक टू स्टूडियो। 4 सालों में 10 बार जेल से बाहर आ चुका है बलात्कार का ये आरोपी, ये दोषी, और हत्या का भी दोषी, जिसके लिए ये उम्र कैद की सजा भी काट रहा है। तो आपको एक सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि अब तक कितनी बार ये जेल से बाहर आ चुका है। 24 अक्टूबर 2020 एक दिन की पैरोल मिली थी, 21 मई 2021 को 12 घंटों के लिए ये छूटा था, 7 फरवरी 2022 को भी 21 दिनों की फरलो जो है वो राम रहीम को दी गई थी। इसके अलावा जून 2022 की बात करें तो तब भी राम रहीम को 30 दिनों के लिए पैरोल पर छोड़ा गया था। 14 अक्टूबर 2022 को 40 दिनों की पैरोल पर राम रहीम बाहर आया था। 21 जनवरी 2023 40 दिनों की पैरोल यहां पर भी मिली थी। 20 जुलाई 2023 30 दिनों की पैरोल मिली थी। 21 नवंबर 2023 में 21 दिन की फरलो पर ये दोषी बाहर आया था। और जनवरी 2024 की बात करें तो 50 दिनों की पैरोल मिल चुकी है जनवरी में, और 13 अगस्त 2024 अब एक बार फिर 21 दिनों की फरलो जो है वो इस शख्स को मिली है। तो 4 साल में 10 बार ये दोषी जो है बलात्कार का और हत्या का ये जेल से बाहर आ चुका है।